और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यू नो मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा हूँ या सबसे बड़ी हूँ। अक्सर फीमेल्स पूछती हैं, सिस्टर्स पूछती हैं मैं सबसे बड़ी हूँ या फिर हमें ये ज़रूरत है, और लाइक इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स। हो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप सबको एम्पावर करूँ ताकि आप सब भी अर्न कर सकें। देखिए एक तो नॉर्मल तरीका है, ठीक है जी, आपने अपनी फील्ड के अंदर पढ़ा, आपने लाखों रुपए अपनी डिग्री पर लगाए, पढ़ के अपने फील्ड में जॉब ढूंढने की कोशिश की और सालों लगा दिए, जॉब नहीं मिली, बहुत भी हुआ हुआ तो 15-20 हज़ार की जॉब मिल गई। एक ये तरीका है। और इंटरनेट बेस्ड इनकम का मैं आपको एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी फील्ड है। सो मेरे हिसाब से द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू अर्न मोर ओवर द ईयर्स इज़ थ्रू इंटरनेट। फर्स्ट एडवांटेज, आप घर बैठ के अर्न कर सकते हैं, और सेकंड एडवांटेज कि आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। सर मुझे मैसेज आते हैं, हसाम भाई हमें कोई एक वेबसाइट बता दें, तो हमने सुना है कि वो टाइपिंग करते हैं तो पैसे मिल जाते हैं, या नहीं इस तरह की कोई भी वेबसाइट नहीं है। मैं आपको अल्टीमेटली 7-8 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि आपने ज्वाइन की, साइन अप किया और आपने कुछ करना शुरू किया और आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को भूल जाएं आप, ठीक है। अगर आपने एक प्रॉपर अपनी फैमिली को मेंटेन करना है, प्रॉपर आप चाहते हैं कि मेरी इनकम एक रियल वर्ल्ड इनकम से ज़्यादा हो या उसके एटलीस्ट बराबर हो, अगर आप कहते हैं मेरी इनकम एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो या 50,000 पर मंथ हो, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी कोई वेबसाइट मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है, ये पहली बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, सबसे इसमें मज़े की बात है, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें ना तो आप लोगों को अभी तक ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि भाई हसाम भाई या फिर जो और फेमस इंटरनेट मार्केटर्स हैं ये लोग ये स्ट्रैटेजीज़ खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, लाइक हसाम भाई क्या स्ट्रैटेजीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हसाम भाई अपनी फॉलोइंग क्रिएट कर रहे हैं, हसाम भाई इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ोटोज़ डालते हैं, पोस्ट डालते हैं और हर पोस्ट के साथ इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, इससे क्या हो रहा है? दिन में वो 2-3 दफ़ा ये फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, एक 3 PM पर डाल रहे हैं, एक 6 PM पर भी डाल सकता हूँ, कभी 9 PM, 9 PM, कभी मैं 12 PM, मतलब ये 4-5 टाइम है जिसमें पीक आवर्स होते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। आपको ऑडियंस आएगी, आपने कोई फ़ोटो पोस्ट की, वैल्यूबल फ़ोटो पोस्ट की, प्यारी पिक्चर है, ठीक है, साथ उसकी क्वालिटी अच्छी है, साथ आपने कैप्शन में उसके कोई वैल्यू दी है, कोई एडवाइस दे दी, कोई मोटिवेशन दे दी, या कुछ भी आप जिस चीज़ का आपको शौक है उससे रिलेटेड बात कर दी जो कि लोग शेयर करेंगे, लाइक किसी को पसंद है, हाँ यार इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने शेयर की। इस तरह होते होते क्या होगा, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, लोग आपको फॉलो करने शुरू कर देंगे। अच्छा, यही नहीं है एक दिन में आपने जो 2-3 फोटो डालती हैं, आपने 2-3 दिन की अब बोर हो गया यार कोई आ नहीं रहा, इस तरह नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, 6 महीने में जाके आप देखेंगे ठीक है मेरे 5,000 आए, फिर अगले 6 महीने में आपके पास 20,000 आएंगे, इस तरह। तो खैर, द पॉइंट इज़ कि आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोइंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इंस्टाग्राम का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने फेसबुक के ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, लेकिन फेसबुक अल्टीमेटली आपको आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप सबको पता है जब फेसबुक के ऊपर आपके पेजेस के ऊपर लाइक्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, मिलियंस में लाइक्स हो जाते हैं, अल्टीमेटली रीच होती है, रीच मतलब फेसबुक के कंट्रोल में है कि जी ठीक है लाइक्स तो आपको मिल गए हैं लेकिन अल्टीमेटली कितने लोग आपकी जो कॉन्टेंट है उसको व्यू करेंगे, तो वो बहुत थोड़े से होते हैं। मिलियंस में भी हो जाएँ तो वो अल्टीमेटली आपके जो कंटेंट को लोग देखते हैं वो बहुत थोड़ा देखते हैं, इसलिए वहाँ पे टाइम लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, इंस्टाग्राम बेहतर इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आपने स्टोरीज़, आपके जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको स्टोरीज़ में देखेंगे, और स्टोरी में उतने ही हालांकि हज़ारों बंदे रियल टाइम में आपको देख रहे होते हैं, तो ये नहीं है कि जी कोई रीच का सीन फिलहाल नहीं है, बट फ्यूचर में हमें पता है इंस्टाग्राम भी ये चीज़ डाल देगा क्योंकि फेसबुक का ही है वो। बट पोस्ट में उसका ये सीन होता है, अगर आपने पोस्ट किया ना तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे 15,000 फॉलोअर्स हैं तो 15,000 लोगों के सामने मेरी फ़ोटो ही नहीं आती। देखें, मेरी फ़ोटोज़ के ऊपर एवरेज 1,000-1,500 लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर इतने थोड़े लाइक्स जो आ रहे हैं उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मेरी फ़ोटो इज़ नॉट इवन शोड टू 15,000 पीपल, ये इंस्टाग्राम फेसबुक ये ड्रामे कर रहा है, बट अभी तक वो चीज़ स्टोरी में नहीं आई, समझ रहे हैं आप? तो आपकी हर स्टोरी को बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। सो द पॉइंट इज़ कि फर्स्ट वे टू अर्न अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का ये है कि ऑडियंस बिल्ड करें। आपने ऑडियंस बिल्ड करनी है, ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बिल्ड करनी है, उसकी रीज़न मैं आपको शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बनाएं, लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। यूट्यूब के ऊपर असल में कंटेंट यूट्यूब का हो, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फेसबुक का है और उसने कोई ना कोई रीच का सीन करना है। यूट्यूब इज़ द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म अभी करंटली दैट सपोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर्स। वहाँ से आपकी एड से भी इनकम हो सकती है, बेशक थोड़ी होती है बट हो सकती है, और आपका प्रोडक्ट यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाना है, वो आपकी कुकिंग हो सकती है। वो अभी देखें रिसेंटली कौन सी पाकिस्तान फर्स्ट कुकिंग चैनल, उनके 1 मिलियन
यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह, और सिर्फ अपने इवन उनके हैंड्स आते हैं, इवन बाय फेस भी नहीं आती हैं। अगर फीमेल्स को अक्सर कंसर्न होता है कि हम बाय फेस नहीं आ सकती, जो आपको शौक है, आर्ट का शौक है, वट एवर जो आपको अपना शौक है, मैं आपको एडवाइस नहीं करता इस पर। आपने जो अपने आपको शौक को एक्सप्लोर करना है, चैनल बनाया तो आपने जब वीडियो डाली तो आपका पहला कंसर्न होगा कि हाँ भी मेरी वीडियो को किसी ने देखा ही नहीं, 5 लोगों ने देखा, ठीक है। उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि स्टार्टिंग में यू नीड टू हैव अ सॉलिड ऑडियंस दैट वुड वॉच योर वीडियोज़, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पर पहले 6 महीने इंस्टाग्राम पर टिका के लगाएं, 3 महीने इंस्टाग्राम पर टिका के लगाएं, कंटेंट डालें, लोग आपको फॉलो करेंगे, वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब के ऊपर लोग आपको देखना स्टार्ट कर देंगे, नाउ यू हैव ऑडियंस। ऑडियंस से क्या करना है, अब उसी ऑडियंस को फर्दर वैल्यू देने के लिए उसी फील्ड में, देखें अगर मेरा चैनल फिटनेस का हो तो मैं फिटनेस के अंदर ही फर्दर वैल्यू दूंगा, आपका अगर कुकिंग का है तो मैं कुकिंग में फर्दर वैल्यू दूंगा, मतलब प्रोडक्ट बना लेंगे, देन यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज़ द अल्टीमेट वे टू सपोर्ट योर फैमिली। अच्छा, अब दूसरी बात आगे कि यूट्यूब से एड से इनकम होती है कि नहीं, यूट्यूब से मैं आपको बताया था, मेरे इस वक्त लाइक मंथली मेरे आ रहे हैं 200 to 300,000 व्यूज़ पर मंथ। इस पर जो मेरी मंथली इनकम हो रही है वो आप अप्रॉक्सीमेट लगा लें 15,000, बहुत थोड़ी है, ठीक है। और ये भी बावजूद इसके कि मैंने 5-6 एड्स ऑन ईच वीडियो लगाई हुई हैं। अगर आप यही इतने ही व्यूज़ अगर आपकी बाहर की कंट्री में होते तो आपके जो है ना वो 2-4-5 लाख आराम से हो जाते हैं। आपने फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेज रखनी है, एक आपका होगा एड, जब आपके व्यूज़ बढ़ने शुरू होंगे यूट्यूब पर तो डायरेक्टली एड से आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। इवन तो पाकिस्तान में इनकम थोड़ी होती है क्योंकि CPM जो कॉस्ट पर 1,000 व्यूज़ के अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर $0.4-$0.5 पर 1,000 व्यूज़ या इससे भी कम, वो आपके ऑडियंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको बाहर का भी ऑडियंस देखती है, मतलब अगर आपको लोग UK से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो यूट्यूब आपको उसका ज़्यादा पे करता है। तो खैर, थोड़ी इनकम आपकी एड से होगी, साथ आपका अपना प्रोडक्ट होगा, पीछे से आपकी ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी, आपकी प्रोडक्ट्स की सेल होंगी, फिर अपनी अपैरल बना सकते हैं, अपनी शर्ट बना सकते हैं। आपने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा है वो अपनी क्लोथिंग लॉन्च करते हैं, अपने कपड़े लॉन्च करते हैं। सो दिस इज़ वन वे टू अर्न, लाइक आप कॉन्टेंट बनाएं, अर्न करें। सेकेंड वे इज़ टू डू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि जो फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं, ये ओडेस्क हो गया, फाइवर हो गया, इनके ऊपर ये एक ज़माने बहुत फेमस थी, आज भी लोग इनसे लाखों में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में भी कमा रहे हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए स्टार्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैंने मतलब ऑनेस्टली मैं तो आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है आपने जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाना है, क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह है कि जो एक दुनिया है पूरी सामने, वहाँ क्लाइंट्स भी हैं और वहाँ पे लोग भी हैं जो कि अपनी स्किल्स ऑफर करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहली बात कोई स्किल ही नहीं है, जो अक्सर मुझे जिन लोगों के मैसेजेस आते, आप सब ब्रदर एंड सिस्टर्स के पास स्किल ही कोई नहीं होती कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ, बस आई वॉन्ट टू अर्न, तो इससे बेहतर है कि आप अपनी कॉन्टेंट क्रिएशन करें, वीडियो एडिटिंग सीखें। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड Adobe प्रीमियर प्रो, मेरे पास कैमरा है Canon 700D, मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ Galaxy Note 8, ठीक है। सेटअप आपको मेरा पता चल गया, एक मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है, ये मेरा टोटल सेटअप है, इससे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप भी वीडियो बनाएं, ऑडियंस बनाएं और अर्न करें। अच्छा, प्रोडक्ट्स दो तरह की हो सकती हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और एक है ऑफलाइन जो कि रियल प्रोडक्ट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मींस कि आपने कोई ई बुक बना ली, जो कि अगर किसी बंदे ने आपको जो है ना पे किया कि जी मैंने 1,500 रुपये की, 1,000 रुपये की मैंने ई बुक बनाई है, या 5,000 की जो भी आपने ई बुक की प्राइस सेट की है, वो मैंने आपसे ख़रीदनी है, उस आपने कहा ठीक है मुझे ख़रीद लो, मैं आप मुझे इसकी अमाउंट इजी पैसा कर दो या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उसने आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, आपने उसको ईबुक की PDF फाइल उठा के आपने उसको व्हाट्सएप कर दी, या आपकी एक ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गई, आपने अर्न कर लिया, इतना सिंपल है। आपने ईबुक किस तरह बनानी है, बहुत सारी बहनें सिस्टर्स मेरी, यू नो यू गाइस कैन मेक बुक्स, यू कैन गाइस कैन मेक ईबुक्स, ईबुक लिखना कौन सा मुश्किल है यार, मतलब यू गाइस कैन सिंपली गो ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पर जाके 15-20 पेजेस की एक बुक लिखें, अच्छा सा उसको फॉर्मेट करें, फोटोशॉप में उसको डिज़ाइन कर लें, या फिर इवन उसी में कर लें यार, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर लें, यूट्यूब पर जाके सीख लें फोटोशॉप, थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग किस तरह करनी है, ई बुक 30-40 पेजेस की 50 पेजेस की बना के हाई क्वालिटी दे के उसको सेल करें, मतलब बेचना इज़ वेरी ईजी इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ कि ठीक है मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, गाइज यू गाइज कैन बाय इट फ्रॉम मी, इसमें ये फलानी वैल्यू है, ठीक है। तो बेचने से पहली बार शर्माना नहीं, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ बेचते हैं ना, आप ये नहीं कहते मेरी चीज़ ख़रीद लो, आप बताते हो भाई कि ये क्यों, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वाई लाइक इसमें वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लोग कहेंगे हाँ वी नीड दिस थिंग। सी अभी जिस तरह मैं अपनी इंस्टाग्राम की बुक बना रहा हूँ, आप सबके कितने क्वेश्चन आए साम भाई इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोइंग कैसे बनानी है, मैं इस वक्त अपनी बुक बना रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, बहुत ही अखीर बुक, मुझे 8 ईयर्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने सारी उसमें डाल दी है, ठीक है। वो बुक मैं इंशाल्लाह वो पेड बुक होगी, अभी प्राइस मैंने उसकी सेट नहीं की, इंशाल्लाह वो बुक मैं सेल करूँगा, वो फ्री बुक नहीं है, क्योंकि मैंने 7-8 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें शेयर की है सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने उसमें शेयर की है मैंने खुद क्या किया है, क्या स्ट्रेटजीज फ्यूचर में काम आएंगी। और देखें जो मैंने 15,000 फॉलोअर्स लेके आया हूँ अभी भी बहुत थोड़े हैं, लेकिन मेरी इंप्लीमेंटेशन उस बुक में है, मेरे यूट्यूब की सारी स्ट्रेटजी उस बुक में है,
तो आपके पास वो बुक आ जाएगी, तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में जितनी भी है वो आपके पास होगी, देन यू गाइस हैव टू इंप्लीमेंट दैट। वो बुक भी इंशाल्लाह होपफुली इसी माह में आ जाएगी, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट में रहें। इसी तरह आप अपनी बुक बना सकते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, ठीक है, जो कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो। सो बुक बनाना बड़ा आसान है। अच्छा, अब आप कहते हैं मैंने ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट बनानी है, जिस तरह इन्विक्टा एथलेटिक्स, मैं तेज़ ले बोलूँ ताकि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इन्विक्टा एथलेटिक्स, आपने अगर अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च करनी है, किस तरह लॉन्च करनी है, ऑडियंस आपकी बन गई है, आप अपने पास टेलर्स हायर करें, जब टेलर हायर करेंगे उनको 200-300-400 रुपए के अंदर आप उनसे एक सूट सिलवाएं, उस पर ब्रांडिंग करवाएं, ठीक है, और ब्रांडिंग करवा के मतलब अपना लोगो लगवाएं, स्क्रीन प्रिंटिंग कराएं, कलर प्रिंटिंग कराएं, 3D प्रिंटिंग कराएं, एम्ब्रॉयडरी कराएं, व्हाटएवर दैट इज़, मेल हैं तो वो करें, सियालकोट भरा पड़ा है, गुजरांवाला भरा पड़ा है, ये सारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री भरी पड़ी है, नहीं तो बांग्लादेश से बनाए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जा रही है, हाई जा रही है आपकी, क्या कहते हैं इसको, जो लेबर कॉस्ट है, ठीक है, सिलाई बहुत महंगी है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, ये वो बला बला, तो आप बांग्लादेश से बनाएं, आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको बांग्लादेश से 1000 एजेंट मिल जाएंगे जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर बना के देंगे, आप उनको व्हाट्सएप पे कहेंगे यार मुझे फ्लाइंग फ्लाइंग चीज़ें बनाओ, ये मेरे ऑनलाइन डिज़ाइंस हैं, वो आपको वहाँ से सिला के पैक करा के घर भिजवाएंगे अपना एड्रेस पे, और वो इस तरह नहीं होगा कि वो कस्टम ने रोक लिए, डायरेक्टली घर पहुँचेंगे आपके DHL के थ्रू। तो इस ज़माने में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपकी एक फ़ोन कॉल पर आपकी प्रोडक्ट तैयार होती है और आपके पास ऑडियंस है, देन यू जस्ट हैव टू सेल इट। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और अच्छा, अब आपके पास अपनी क्लोथिंग आ गई, आपका शिपमेंट आ गई, आपने 2 लाख रुपए लगाए या 10,000 रुपए लगाए, वट एवर योर इन्वेस्टमेंट इज़, आपने लगाया, आपका पैसे आ गए, आपने अब उसको लोगों तक पहुंचाना कैसे है, लोग आपको पे कैसे करेंगे, कॉल कोरियर जिसका इन्विक्टा एथलेटिक्स एफिलिएटेड है, बाकी कंपनीज हैं, TCS है, लेपर्ड्स कोरियर्स है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है, ये हैं, इस तरह बहुत सी कंपनीज जो कि आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस देंगे, आपने उनको सिर्फ फ़ोन करना है, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, आप गूगल करें, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, उनको कॉल करें कि मैंने अपना कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाना है, वो आपको कहेंगे ठीक है सर, हमें अपनी ये इन्फॉर्मेशन दें, अकाउंट आपका हफ्ते में खुल जाएगा, फिर आप उनके बंदे को फ़ोन करेंगे, ठीक है जी मेरी अपैरल आके ले लो, ठीक है, हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं इन्विक्टा एथलेटिक्स के, ऑर्डर्स डेली के होते हैं माशाल्लाह बहुत सारे, तो मैं उनको फिर फ़ोन करता हूँ कैश ऑन डिलीवरी को कि भाई आके ऑर्डर्स पिक कर लो, वो घर से आके हमारी पूरी शिपमेंट लेके जाते हैं, ठीक है, जाके फिर वो जो एड्रेस उनके ऊपर लिखा होता है वो सबको जाके पाकिस्तान में थ्रू आउट दे देते हैं, दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़, वहाँ से वो पैसे उनसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में भेज देते हैं, दैट इज़ हाउ सिंपल दैट इज़ गाइस। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस इज़ वेरी सिंपल, बट यू नीड एनर्जी, यू नीड ऑडियंस जो कि आपकी चीज़ ले, तो द कोर इज़ द बैकबोन इज़ कि आपके ऑडियंस होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके पास हूँ। ऑडियंस कैसे बिल्ड करनी है, मेरी इंस्टाग्राम की इंशाल्लाह इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की बुक आ रही है, पेड बुक होगी, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर, जैसी वो बुक रेडी होगी मैं अपनी स्टोरीज़ में डालूंगा, स्टोरीज़ में आप वहाँ से पिक करें, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आज तक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो आप लें, उसको रीड करें, फिर इम्प्लीमेंट करें इंशाल्लाह, और फिर उसके जो क्वेश्चन है मेरे साथ पूछें, दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। मैं चाहता था कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ सबको मोटिवेशन देने के लिए भी, ठीक है, शुगर मिला व्लॉगिंग इट्स पार्ट ऑफ अर लाइफ, इट्स गुड, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टैंड अप ऑन योर फीट, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करें इंशाल्लाह, और बस बहुत हो गया, ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the